हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुशरा खाना खजाने में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मटर पुलाव, एकदम लेटेस्ट। इसके लिए आपको चाहिए, ये मैंने 250 ग्राम मटर लिए, ये 2 कप चावल लिए, ये तेल है, 1 चम्मच जीरा है, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, ये 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने काट लिया, ये स्वाद अनुसार नमक, ये भगाने के लिए है, 1 आड़ी प्याज की जिसको काट लिया मैंने, 2 लौंग, 2 इलायची, आधा छोटी चम्मच जीरा और ये तीन हरी मिर्च हैं जिसको मैंने बीच से फाड़ दिया है। ये तेल हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। साथ में हम जीरा डालेंगे, लौंग इलायची भी डालेंगे, और ये मसाले में हम लौंग इलायची बताना भूल गए थे, 3 बड़ी इलायची, 4 लौंग जिसको हम ग्राइंड करेंगे। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे इनका हम। ये पेस्ट बन गया है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। प्याज हमारा हो गया, इसमें हम मिर्च डाल देंगे और साथ में हम ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, मसालों को हम 5 से 10 मिनट भून लेंगे। मसाला भून गया है, अब हम इसमें मटर डाल देंगे। अब इसको हम ढककर पकाएंगे 10 मिनट। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोलकर देखते हैं। मटर हमारा हल्का सा गल चुका है, अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल को मैंने अच्छे से धुल लिया है, अब हम इसमें चावल, बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी है मटर पुलाव बनाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। अब इसमें हम 2.5 कप पानी डालेंगे, मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाला है। अब इसको हम ढककर पकाएंगे 15 से 20 मिनट। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोलकर देखते हैं। इसमें अब थोड़ा पानी बचा है, अब इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर, जब तक कि चावल हमारे गल नहीं जाए। फ्रेंड्स, अब हम इसको खोल कर देखते हैं। ये देखिए, चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब इसको हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ये देखिए कितनी अम्मी दिख रहा है।